मॉर्निंग, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ सुबह से, तो मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी मुझे बनाना है नाश्ता। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और दिन आज है संडे, आज छुट्टी का दिन है। आप लोग भी घर पे होंगे, आप लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे ऑब्वियसली। और मैं आज ही, मतलब हम लोग का संडे हॉलीडे नहीं होता है, मंडे होता है। मंडे को यहाँ का मार्केट क्लोज रहता है, इसलिए यहाँ मंडे हॉलीडे होता है। तो बस वही रूटीन है, वही डेली लाइफ है जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं जो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ और करती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज काम तो कुछ खास नहीं है, बट आज ये है कि आज मम्मी को जाना है, कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि मम्मी को जो जो लेके जाना है वो सारे कपड़े भी धुलने हैं। तो कपड़े का मशीन मैं लगा चुकी हूँ, कपड़े धुल रहे हैं। और लाइट आज भी प्रॉब्लम कर रही है, लाइट हमेशा प्रॉब्लम करती है, यहाँ का लाइट का वही सिस्टम है, मतलब आता रहता है जाता रहता है। तो कपड़े मेरे लग चुके हैं, नाश्ता भी बन रहा है, हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो बीच में रह जाता है, तो फिर बीच में ही रह जाता है और आप लोगों से बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। पता है ऐसा लगता है जैसे एक दिन भी आप लोगों से बात नहीं होती है तो लगता है चलो आज का यार कुछ मिसिंग है, कुछ छूट गया, ऐसा लगता है मुझे। तो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, अगर मिस होता है तो समझिए कि कोई मजबूरी रही होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तभी मेरा जो है वो अपलोड नहीं हो पाता है। जरूर कोई मजबूरी है, ये आप समझ लीजिए ऐसा, नहीं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मिस करूँ कभी भी। मैं हमेशा रेगुलर रहना चाहती हूँ और हार्डवर्क करना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे इसी तरीके से तो ये हार्डवर्क चलता रहेगा और इससे भी बेटर करने की कोशिश करूँगी। मतलब मैं अभी अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। मतलब अभी इस पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि मेरा ये 100% है, मतलब कर तो रही हूँ मैं कोशिश। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार देते रहिए, अभी तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और उसी की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ अभी। तो इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरे वीडियोस देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने से कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ होता है, बस मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं कि हाँ चलो मैं अच्छा कर रही हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब ये अंदर से ना लगता है कि नहीं चलो मैं अच्छा कर रही हूँ, मोटिवेशन मिलती है, बस यही है और कुछ नहीं। फ़ैन ऑफ करके मुझे वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं जाती है, इसलिए मैं फ़ैन ऑफ करके बैठती हूँ और पूरा पसीना से, देखिए पूरे पसीने से मैं नहा जाती हूँ नहा के जस्ट आई हूँ, पूरा पसीना से मैं गीली हो चुकी हूँ। तो ये सिचुएशन हो जाता है, कूलर चला के बैठ नहीं सकती क्योंकि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा, फ़ैन में नहीं आता तो कूलर में क्या आएगा। तो इसलिए मुझे ऑफ करके बात करना पड़ता है और गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, 37 डिग्री आज का टेम्परेचर है यहाँ का। तो चलिए हम लोग अभी, और आज सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि मम्मी आज जा रही हैं, आज नहीं सॉरी कल सुबह जा रही हैं, सुबह 6:30 या 7 बजे की ट्रेन है तो उससे जा रही हैं। तो सारा जो तैयारी है वो आज ही करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी ये सारी चीज़ें। और बस यही है आज का जो है, मतलब होता है ना कि घर से अगर कोई भी चला जाए तो घर बिल्कुल खाली खाली सा लगने लगता है, थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मतलब लगता है कि ये कुछ मिसिंग है, मतलब बहुत टाइम तक ऐसा लगने लगता है। जिस इंसान के साथ आप हमेशा रहते हो और वो इंसान अगर एक दो दिन नहीं देखने को मिले तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से फील होती है। तो बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है, वैसे जाना है तो फिर जाना ही है हम लोग भी जाते हैं तो मम्मी लोगों को भी ऐसा ही लगता है। मैं सोचती हूँ कि हम लोग सारे लोग चले जाते हैं इकट्ठे, मैं चले जाती हूँ, कान्हा चला जाता है, तो घर कितना खाली खाली लगता होगा क्या। तो बस वही है, तो ये तो होता ही रहता है। तो चलिए फिर करते हैं आज का काम शुरू आप लोगों के साथ, तो मैं जब फ्री होंगी फिर आपसे बात करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ मिक्स कर रही हूँ, क्या मिक्स कर रही हूँ मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये है एक्चुअली कलर, मम्मी को अपने बाल रंगवाने थे क्योंकि इस एज में तो बाल वाइट हो ही जाते हैं, तो कलर कर रही हैं मम्मी। तो ये है नेचुरल ब्लैक, मैं आपको दिखा देती हूँ एक मिनट, ये है गार्नियर का ब्लैक नेचुरल। ये जो पाउच है, ये जो सेसे है वो 37 रुपीज़ का आता है और इसका जो सेट नंबर है वो है 2.0 और ये ब्लैक कलर है, नेचुरल ब्लैक कलर है, कलर बहुत अच्छा आता है और आपको अगर आप सही से लगाओ तो 1 मंथ आपको चल जाएंगे। और इसके अंदर 2 सैसे निकलते हैं इस तरीके के, एक है
ए लिखा हुआ है और उस पर लिखा है कलरेंट, और दूसरा जो है वो है डेवलपर। इन दोनों को मैंने पूरा पूरा निकाल लिया है और दोनों को ही मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बाल में इतने लग जाते हैं, एक बार में पूरा पाउच लग जाता है, तो ये इजी रहता है, इसका मेज़रमेंट सही रहता है कि दोनों का पूरा पूरा निकाला और इसे मिक्स कर लिया। तो इसे अच्छी तरीके से दोनों को निकाल करके मिक्स करना होता है, एक वाइट कलर का होता है और एक ट्रांसपेरेंट होता है, तो दोनों को मैंने निकाल करके मिक्स कर लिया और अब मैं मम्मी के बालों में अप्लाई करने वाली हूँ इसे। तो चलिए अब इसे अप्लाई कर लेते हैं। 2 मिनट मैंने मिक्स करके छोड़ दिया था ताकि ब्लैक हो जाए, तो अब मैं इसे बालों के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। सेक्शन वाइज आप पार्ट वाइज डिवाइड करके कीजिए, क्योंकि बाल जो ग्रे वाइट जो निकलते हैं वो जड़ से निकलते हैं, ठीक है, ऊपर आपके बाल वाइट नहीं रहते। तो मैं कंघी की हेल्प से उसे मतलब बीच बीच से डिवाइड करके लगा रही हूँ, ताकि अच्छे से जो वाइट बाल हैं वो ब्लैक हो जाएं। ऊपर पे नहीं है, बस जड़ में है। तो और कान्हा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैंने इसे ड्यूटी दे दिया कि तुम बताओ कि कहाँ कहाँ छूटा है, बस देखते रहना, टच मत करना इसको। तो वो यही काम कर रहा है अभी। और मैंने मशीन भी लगा ली थी, आपको बताया था कि मैंने सुबह से मशीन लगाई हुई है, लाइट प्रॉब्लम कर रही है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और अभी तक कपड़े धुले भी नहीं हैं। तो 3-3 बेडशीट पड़े थे, तो वो सारे को धुल करके, ये तीनों बेडशीट ही हैं, इसे मैं निकाल के रख रही हूँ, और मम्मी सुखा देती हैं इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कपड़े मैं धुल के रख देती हूँ एक जगह पर और मम्मी सुखा देती हैं। और ये काम करने के बाद मम्मी को बैग भी पैक करना है, तो कान्हा को मैंने सुला दिया था, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई काम करने नहीं देता है, हर चीज़ को बस बिगाड़ता रहता है। तो मम्मी वेट कर रही थी कि मैं उसको सुलाऊं, उसके बाद मम्मी बैग पैक करें, तो उसे मैं अभी सुला करके आई हूँ और मम्मी कर रही हैं अपना बैग पैक। तो ये जो आपको एक दिख रही हैं वो बुआ हैं, गोमती बुआ हैं, और वो आई हैं अभी, तो वो भी हेल्प कर रही हैं बताने में सारा कुछ पैक करने में, और सबका मैचिंग लगाने में भी हेल्प कर रही हैं, और मैं भी मम्मी का हेल्प कर रही हूँ। तो पहले हम लोगों का बैग जो है ना वो बहुत जल्दी पैक हो जाता है, कि हम लोग किसी भी तरीके से बस कपड़ा फोल्ड किया और रखा, जैसे तैसे रख लेती हूँ, मेरा बैग तो बहुत जल्दी पैक हो जाता है, बट मम्मी के साथ ऐसा नहीं है। मम्मी हर चीज़ को बहुत ही सलीके से रखती है, मतलब पहले के जो लोग होते थे ना, ये हर चीज़ को बहुत ही सलीके से रखना जानते थे। तो मैं रखती हूँ मम्मी निकाल देती है, मैं रखती हूँ मम्मी निकालती है, ऐसे नहीं ऐसे, तो वही हो रहा है। और इस चक्कर में साड़ी भी खुल गई थी, मैं रख रही हूँ मम्मी निकाल रही है, तो मुझे हंसी भी आती है। मैं कहती हूँ मम्मी क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे भी रखो, निकाल के तो पहनना ही है, तो मम्मी कहती है अरे नहीं रखना है तो ढंग से रखो। तो बस वही हो रही है, इस चक्कर में साड़ी ही खुल गई, तो मैं इसे फिर से फोल्ड कर रही हूँ। सही बात है, मतलब फिर तो निकालने पर वो सारा का सारा बिखर ही जाता है, तो इतना सजा के रखने से क्या फ़ायदा। मैं तो बस फटाफट से रखी, फटाफट से मेरा बैग पैक हो जाता है, बट मम्मी को बहुत ज़्यादा टाइम लगा एडजस्ट करने में सामान को। तो चलिए फाइनली मम्मी का बैग पैक हो गया और सारा चीज़ हो गया है, फाइनली मम्मी के मन लायक हो गया है, जैसे मम्मी पैक करना चाहती थी वैसे हो गया। और अब जो भी बच गया है, जो नहीं लेकर के जा रही हूँ, उसे मैं फोल्ड करके अब रख दूँगी, क्योंकि अब फाइनल हो गया कि क्या लेकर के जाना है क्या नहीं लेकर के जाना है। तो अब सारी चीज़ें मैं हटा दूँगी यहाँ से, ताकि बेड थोड़ा खाली हो जाए।
अगर ज़्यादा सामान रहता है तो पता नहीं चलता कि इसमें से रखने वाला कौन है और निकालने वाला कौन है, इसलिए मैं हटाती जा रही हूँ। मेरे साथ बहुत ऐसा ही होता है, मतलब मैं जब अपना बैग पैक करती हूँ ना, सारा सामान निकाल करके बेड पे फैला देती हूँ। प्लीज़, मुझे समझ में नहीं आता जल्दी से कि मैं क्या लेकर के जाऊँ और क्या नहीं लेकर के जाऊँ। ये वाला साड़ी मुझे प्रेस करना था, लेकिन मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी धोबी से करवा लीजिए, तो इसीलिए मम्मी हंस रही हैं कि सुबह से तो पापा लेकर के जा रहे हैं धोबी के पास। सुबह से मैं बोल रही थी मैं कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। हेलो, काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। शाम के टाइम में मैं बैग पैक कर रही थी, उसके बाद से मैंने आपसे कोई बात नहीं की है। उससे पहले भी नहीं की थी, अर्ली मॉर्निंग ही की थी, तो उसके बाद से मैंने वॉइस ओवर लैपिंग की। और अभी मैं किचन में हूँ, रात का डिनर बना रही हूँ, तो डिनर में मैं अभी छील रही हूँ घ्यूड़ा, नेनुआ। इसको बहुत लोग, काफ़ी लोग इसको नेनुआ के नाम से जानते हैं। तो मम्मी लोग खा चुकी हैं, मम्मी पापा और एक बुआ जो थी वो भी खा चुकी हैं, तीनों लोग खा चुके हैं आलू मंगोड़ी की सब्जी और रोटी। और मुझे आलू मंगोड़ी की सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसके साथ एक रोटी भी नहीं खा सकती, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ ये घ्यूड़ा। और रोटी बना करके मैंने रख दिया है सबके लिए, जब मैंने तवा चढ़ाया था तो सारे लोगों की रोटी बना करके रख दिया, बस मुझे सब्जी बनानी है अभी अपनी। और ये तो वही सब्जी खा लेंगे, आलू मंगोड़ी ही खा लेंगे। और मम्मी कल जा रही है, तो मम्मी ट्रेन में लेकर के जाती है करेले, सूखे करेले बनते हैं इसके, मतलब मसाले वाले करेले। तो ये करेले क्या होते हैं ना, तेल ज्यादा इसमें लगते हैं, तो ये 3-4 दिनों तक खराब नहीं होते हैं। बाहर भी रखो, तो अगर आप फ्रिज में नहीं रखो तो भी खराब नहीं होंगे, और बाहर रखो तो भी नहीं होते हैं, तो इसलिए ट्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ पूरी और करेले, तो ये दोनों चीजें खराब होने वाली नहीं है, तो ये आराम से 2 दिन चल जाते हैं ट्रेन में, तो ट्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो मम्मी ये बना करके ले जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने रोटी बना ली है, गैस को मैंने क्लीन कर लिया है, और उसके बाद जैसे ही मेरी सब्जी बन जाएगी तो मैं मम्मी का बना दूंगी करेला, और उसके बाद हो जाएगा। और पूरी तो सुबह ही बनानी पड़ेगी, तलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बना करके फिर वो ठंडी हो जाएगी, बासी हो जाएगी, तो फिर और वैसे भी 2 दिन और हो जाएगा ट्रेन में, तो इसलिए पूरी सुबह सोच रही हूँ बनाने का। अगर 6:30 या 7 बजे भी ट्रेन होगी तो मैं 4 बजे उठ करके बना दूंगी, तो देखती हूँ कैसे हो पाता है मैनेज। क्योंकि अभी गए हैं स्टेशन पता करने के लिए कि ट्रेन राइट टाइम है या फिर कैंसिल है, क्योंकि सुबह से हल्ला हो रहा था कि ट्रेन कैंसिल है, तो इसलिए पता करने के लिए गए हैं स्टेशन। और अभी आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ट्रेन है या नहीं है, और अगर है तो कितने बजे है। चलिए मैं पहले घ्यूड़ा को धो के आती हूँ। और इसमें मैं ढेर सारा प्याज और ढेर सारी मिर्ची, मुझे तीखा भी पसंद है और प्याज भी पसंद है, तो ढेर सारा प्याज और ढेर सारी मिर्ची डाल करके बनाने वाली हूँ ये सब्जी। आप लोगों को खानी है तो बोलना, मैं सबके लिए बना दूंगी। ये क्या इतने सारे बिस्किट, मैं इस रूम में आकर के लाइट जला के देखी तो इतने सारे बिस्किट पड़े हुए हैं, छोटे छोटे। ये मुझे लगता है कि मम्मी को ले जाने के लिए, ट्रेन के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि मम्मी अकेली जा रही हैं, उनके साथ कोई है नहीं, तो ट्रेन से उतरेंगी नहीं, अगर कुछ खाना भी हुआ तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लेकर के आए हैं छोटे छोटे पैकेट। और ये देखिए मम्मी का बैग पैक हो चुका है, ये वाला है और एक और छोटा बैग है, और एक खाने वाला हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे, खाने वाला उसी में एडजस्ट हो जाएगा। 2 बैग मम्मी के ये हैं, निकल चले जाएंगे। कान्हा को मैं बोलती हूँ कान्हा माँ जा रही है, तो बोलेगा मैं अभी टिकट फाड़ता हूँ, जाएगा। और जितना भी उसको क्या लगता है ना, जितना आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उस पर सबके फोटो लगे हुए होते हैं, जैसे मम्मी का आधार कार्ड है तो मम्मी के लगे हुए, इनका है तो इनके फोटो लगे हुए हैं, तो उसे लगता है कि वही टिकट है, जिसका फोटो लगा हुआ उसका टिकट है, उसी को बार बार निकाल के लाएगा, बोलेगा मैं तो कैंची से काट दूंगा, मैं तो फाड़ दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, ऐसे वो करता रहता है। तो चलिए बैग तो मम्मी ने पैक कर लिया है, सारा सामान पैक हो गया है, बस सुबह अभी तक तो ये है कि सुबह 6:30 बजे की ट्रेन है, 7 बजे की तो चली जाएंगी, बट अभी स्टेशन गए हैं पता करने के लिए, जैसे ही पता चल जाएगा फिर कन्फर्म हो जाएगा कि सुबह कितने बजे की ट्रेन है, फिर मम्मी चली जाएंगी। थोड़ा सा बुरा लगता है ना, लगता है यार, सबको लगता है। चलो ठीक है।
आज जा करके मेरे सारे कपड़े धुले। उस दिन जो मैंने कर्टन उतारे थे वो आते उस दिन धुले थे, उसके बाद मैं देवघर चली गई थी तो कर्टन धुले नहीं थे। आज जा करके मेरे सारे कर्टन, मतलब जितना भी कपड़ा है, बेडशीट वगैरह आके मैंने वहाँ भी ले गई थी बेडशीट, और यहाँ का भी उतारा था, सारे कपड़े आज जाके मेरे ख़त्म हुए हैं धुलने वाले, और सूखे अभी तक नहीं है क्योंकि दिन भर धूप अच्छी खासी नहीं थी। मतलब वेदर कभी ठंडा हो रहा था, कभी धूप निकल रही थी, इस तरीके का हो रहा था। तो सब्जी मैंने काट करके रख दिए और जा रही हूँ मैं उसे छौंकने के लिए, उसे छौंक करके रख दूंगी। फिर करेला बनाना है तो पहले किचन को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी। और खाने पीने का काम मैं और ये बचे हुए हैं, कान्हा को भी मैंने खिला दिया है तो सारे लोग खा चुके हैं, और जो थोड़ा बहुत बर्तन है उसे मैं अभी धो लूँगी क्योंकि सुबह में फिर टाइम नहीं मिलने वाला है। तो बस यही काम रह गया है, और मेरे भगवान जी से आप लोग मिल लीजिए, कल से भगवान जी मेरे हैंड ओवर में हैं। मैंने आपको बोला था ना कि वो स्टेशन गए हैं, आकर के बताएंगे ट्रेन है या नहीं है, तो बहुत ही सैड न्यूज़ है, ट्रेन कैंसिल है। जबकि पता है आज भी वो ट्रेन खुली है और परसों भी खुलेगी, सिर्फ कल वो कैंसिल हो गई है क्योंकि वहाँ से आज वो ट्रेन आई नहीं और यहाँ से कल खुलेगी नहीं, और कल से परसों से फिर रेगुलर है और आज तक रेगुलर थी सिर्फ एक दिन के लिए। इसको कहते हैं लक। ऐसा अगर मेरे साथ होता ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, ऐसा अगर मेरे साथ होता मैं बहुत रोने, मैं बहुत रोती, बहुत रोती। बुरा तो लगता है यार, बुरा मतलब होता क्या है ना कि जब तक आप तैयारी नहीं करो तब तक उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, और जब सारी पैकिंग कर लो, सारी तैयारी कर लो और सुबह जाना है और अचानक से पता चले कैंसिल हो गया तो बहुत बुरा लगता है। दुख तो होता ही है लेकिन अब क्या किया जा सकता है। और ट्रेन की मतलब रेलवे की ये वाला नियम मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि अगर कैंसिल हो गई तो पैसा वापस करके हाथ खड़ा कर देगा भैया, ख़त्म। ये गलत है। अगर आप ट्रेन कैंसिल किए हैं तो किसी को अगर ज़रूरत है तभी तो वो जा रहा है, तो उसको नेक्स्ट कोई ट्रेन अवेलेबल करवाइए या फिर कुछ, तो इस तरीके का होना चाहिए कुछ, ये सुधार होनी चाहिए। ये बहुत गलत है कि कैंसिल हो गया तो आप गया आपका। तो चलिए अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और तो जो मेरे वीडियोस देखते हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे प्रेस करिएगा, और एक सेकंड के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे प्रेस करने से क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है और आप उसे देख सकते हैं सबसे पहले। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करिए, और लाइक तो करिए ही, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, तो मस्ट है, ये एक फॉर्मेलिटी है। आप लोग जरूर, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।